आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई भी डीटीएच है और उसकी उसमें डेड की प्रॉब्लम है या फिर वीक सिग्नल की प्रॉब्लम है, चलते चलते बंद हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो इस वीडियो देखने के बाद आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे इसी तरीके से। सबसे पहले मैं ये फर्स्ट ही बता देता हूँ कि जो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्या होता है कि यहाँ पास हमारे दो टर्मिनल दिए हुए, यहाँ पास सबसे पहले आपको चेक कर लेना होगा, यहाँ पास 220 से लेकर 250 वोल्टेज तक यहाँ पर हमको एसी इनपुट मिलेगा। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज नहीं आने पर आपको स्विच बटन और तार जो लगी होगी उस तार को चेक करना होगा। यहाँ जब आपका वोल्टेज प्रॉपर मिलेगा तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पास एक फ्यूज लगा हुआ है तो फ्यूज को चेक करना होगा। फ्यूज को आप लगे लगे ही चेक कर सकते हैं, अगर और निकाल के भी चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसको इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाएंगे, ये कैप ओपन हो जाएगा और इसके बाद आप इस फ्यूज को सिंपली ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, जो कि मैं यहाँ से वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ तो इसलिए दिक्कत हो जाता है। तो इसको आप ऊपर की ओर प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए निकल चुका है, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद फ्यूज, जो हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज के दोनों वाले टर्मिनल पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीमीटर के दोनों प्रॉप को, एक को मैं लगा लूँगा, दोनों को अटैच करके देखेंगे, एक को मैं अटैच कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो देखिए एक पॉइंट पर मैंने तार को अटैच कर लिया है मल्टीमीटर का, दूसरे वाले पॉइंट पर मैं यहाँ पर टच करके देखूंगा। यहाँ पर टच करने पर यहाँ पर हमारा लगातार बीप मिलना चाहिए, अगर बीप मिला तो इसका मतलब हमारा फ्यूज एकदम सही है। अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमारा इसमें हाई वोल्टेज जब आएगा तो कैपेसिटर भी हो सकता है आपका जो ऊपर से थोड़ा सा ऊपरी जो इसका भाग होता है ये थोड़ा सा उठ जाए और फूल जाए। और हाई वोल्टेज आने की वजह से क्या होता है, जब हमारा एक तो फ्यूज ओपन हो जाएगा और यहाँ के हो सकता है डायोड भी ख़राब हो जाए। डायोड आप किस प्रकार से चेक कर पाएंगे तो मैं इसका भी एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पास आपको मल्टीमीटर फिर से कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करना होगा। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट कर रखने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो मैं आपको एक बार फर्स्ट ही बता देता हूँ, जो हमारा इसमें वाइट सिल्वर पट्टी बनी हुई है ये हमारा पॉजिटिव मतलब प्लस वाला पॉइंट होता है, प्लस वाला पॉइंट हो, जो इसके पीछे साइड का भाग होता है ब्लैक वाला उसको नेगेटिव बोला जाता है, मतलब माइनस बोला जाता है। और आपके जो मल्टीमीटर में दो प्रोप होंगे, एक आपका होगा जो ब्लैक वाला होगा वो होगा माइनस, और जो हमारा रेड वाला होगा पॉजिटिव मतलब प्लस वाला पॉइंट होगा। अब आप अगर इसके प्लस पर प्लस को लगाएंगे और माइनस को माइनस पर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर रीडिंग नहीं देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ये प्रैक्टिकली पूरा करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक पिन को अटैच कर दिया, एक पिन को दूसरे वाले साइड पर अटैच करता हूँ। अटैच करने के बाद आप मल्टीमीटर पर तो देख ही सकते हैं कि यहाँ पास हमारा कोई भी रेटिंग नहीं आ रहा। अब जस्ट इसके अपोजिट मतलब प्लस को माइनस पर और माइनस को प्लस पर, डायोड का जो प्लस वाला पॉइंट है उस पर आपको मल्टीमीटर की माइनस वाली प्रॉप को लगाना होगा, जो कि मैं इसके जो इसका एक प्रॉप टूट चुका तो अभी कोई बात नहीं, पास मैं इस पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया है। दूसरे वाले पॉइंट पर मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले पॉइंट पर यहाँ पर रेड वाला प्रॉप को लगाऊंगा, तो यहाँ पर हमको 500 हमारी 30-39 से 540-43 ऐसे रेटिंग आ रही है। इसका मतलब हमारा क्या होता है, हमारा डायोड एकदम सही है। तो यही तरीका है कि आप ये चारों डायोड को चेक करेंगे, किसी भी डायोड पर आपको लगातार कंटिन्यू बीप नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी भी डायोड पर आप लगाते हैं उल्टा एक साइड पर रेटिंग आएगी, एक साइड पर रेटिंग नहीं आएगी, तो आपका डायोड सही माना जाएगा और रेटिंग जो आएगी वो आपको 500 प्लस या फिर 400 ऐसी रेटिंग आएगी। अगर इतनी रेटिंग आती है तो आपका यहाँ का डायोड सही है। अगर यहाँ कोई भी डायोड एक ख़राब होगा तो आपका फ्यूज ओपन हो जाएगा, तो आपको फ्यूज ओपन हो रहा अगर बार बार, तो आपको डायोड चेक करना होगा। डायोड में से कोई भी एक डायोड ख़राब होगा तो आपको उसको दोबारा लेना होगा, तो आपके जो पावर प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास एक हमारा NTC लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पास पहले हमारा एक चौक कॉइल लग गया था, जो कि हमारे चार टांग का होता है छोटा सा इंडक्टर जैसा, और तो वो इसमें नहीं है अभी की जो सप्लाई आ रही है, पहले में लग के आता था, तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक प्रिंट हमारे इसमें डायरेक्ट है और एक में हमारा NTC लगा कर आ रहा है सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम रही होगी तो मैंने इस प्रकार से रिपेयर किया था। यहाँ पर डायोड नीचे भी लगा दिया था, एक डायोड ऊपर, मैं इसको नीचे लगा दिया, तो कोई भी दिक्कत नहीं फिर भी। और अगर आपकी सप्लाई लो आउटपुट में मिल रही है आपको, जहाँ पर 3.3 मिलना चाहिए वहाँ पास आपको 2 वोल्ट या फिर 1 वोल्ट ऐसा मिल रहा, हाफ वोल्टेज मिल रहा, तो इसका जो कारण होता है सबसे बड़ा कारण यही होता है, इस जो हमारे यहाँ पास है 2-3-4 डायोड लगे हुए रहते हैं, यहाँ में किसी के कोई भी डायोड एक शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। इस जगह पर भी जो चेकिंग करने का तरीका होगा तो वही होगा, जिसका पॉजिटिव वाला पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ,
जो इसमें हमारा पॉजिटिव वाला प्लस सिल्वर का जो पट्टी बनी हुई है, ये हमारा पॉजिटिव वाला पॉइंट है। तो पॉजिटिव वाले पॉइंट पर हम नेगेटिव वाले प्रॉप लगा दूंगा। यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्लस वाले जो डायबोर्ड का प्लस वाला भाग होता है उस पर मैंने मल्टीमीटर के माइनस वाले प्रॉप को अटैच कर दिया। इसके जो हमारा इसका अपोजिट माइनस वाला पॉइंट है उस पर मैं लगाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है डायबोर्ड लगता है शॉर्ट है। इसको मैं अच्छे से चेक कर लूँगा। ये मल्टीमीटर भी थोड़ा दिक्कत कर जाता है, एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत ही दिक्कत बन जाता है। फिर भी मैं आपको एक बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पास मैंने ब्लैक को लगा दिया है। इसके बाद ये मल्टीमीटर अभी देखिए इस जगह पर मैं टच करके देख रहा हूँ, यहाँ पर हमारा इस प्रकार शॉर्टिंग बता रहा। यहाँ पर हमारा कितना ओम की रीडिंग मिल रहा था, यहाँ पर हमारा 14 ओम की रीडिंग मिल रहा। इसका मतलब हमारा जो डायोड है ये इसमें शॉर्ट बता रहा है। ये हमारा डायोड शॉर्ट होने की वजह से हमारा सप्लाई ये डेड है। सिंपली हम इस डायोड को चेंज कर देंगे, हमारी जो प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा कोई भी डायोड एक शॉर्ट होगा तो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ के जो आउटपुट सप्लाई है सभी पम्प बनेगा या तो बनेगा ही नहीं। जो सेकेंडरी का आउटपुट वाला साइड में कोई भी एक डायोड शॉर्ट होगा तो ऐसे दिक्कत बन जाएगा, तो आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर हमारा देखिए 14 ओम की रीडिंग मिल रही है, मल्टीमीटर पर आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ये डायोड शॉर्ट है सप्लाई में। यहाँ की बात है अगर कोई भी डायोड एक शॉर्ट होगा तो ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है। कोई भी डायोड एक शॉर्ट हो जाएगा यहाँ का, कोई भी डायोड शॉर्ट हो जाएगा यहाँ का तो क्या होगा कि जो आउटपुट में वोल्टेज है बहुत ही कम मिलेगा। और काफ़ी बार देखा गया कि जो आपको क्या होता है सेटअप बॉक्स की बॉडी पर, मतलब स्टील बॉडी होती है जिस पर, तो उसमें छूने पर करंट मारता है, या फिर जहाँ पर ऑडियो वीडियो सॉकेट आते हैं वहाँ पर करंट मारता है, या फिर जहाँ पर हम एंटीना लगाते हैं वहाँ पास करंट मारता है। ये समस्या कहाँ से होती है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें देखिए यहाँ पास एक हमारा ये हमारा देखिए अलग है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, ये हमारा सेकेंडरी हो गया, हमारा प्राइमरी हो गया। प्राइमरी मतलब पहले और सेकेंडरी मतलब लास्ट में, मतलब बाद में, जो भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ एक दो पॉइंट है, यहाँ दो पॉइंट के बीच में एक पीएफ लगा हुआ रहता है जिसका किसी किसी में 1 KV का लगा हुआ रहता है और किसी किसी में इस प्रकार का पीएफ लगा हुआ है जिसका मैं नंबर आपको दिखा दूंगा। ये इस पीएफ को आप तोड़ भी सकते हैं। यहाँ पास हमारा 1200 वोल्ट लिखा हुआ है, 1250 इसमें लिखा हुआ, मतलब 1250 वोल्ट का पीएफ है, ठीक है। तो इस पीएफ को आप तोड़ सकते हैं अगर आपके पास पीएफ नहीं है। इस पीएफ की एक पिन, किसी भी पिन को आप ओपन कर देंगे, किसी भी साइड से ओपन कर दें, चाहे आप इसको तोड़ दें, तो जो आपके सेट टॉप बॉक्स में झटका मारने की प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और एक समस्या और होती है, देखिए NTC वाले में तो ज़्यादा झिलमिलाहट की समस्या नहीं मिल रही है, और मान लीजिए हल्की फुल्की जो पिक्चर के साथ झिलमिलाहट की प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है, तो यहाँ से NTC को हटाकर जो यहाँ पास ये लाइन जुड़ी हुई है, तो यहाँ से इसको यहाँ से स्क्रैच करके कटिंग करके यहाँ पर आप 4 टांग का जो चोक कॉइल होता है उसको लगा देंगे, जो हमारा करंट को फिल्टर करके सप्लाई आगे पहुंचाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे किसी प्रकार से जैसे पिक्चर हमारा चल रहा है इस पर हमारा जो हमारा हल्की फुल्की बिंदी बिंदी बनता है वो नहीं बनेगा, वो समस्या दूर हो जाएगी। और तो यहाँ तक मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि यहाँ पर हमारा डेड होगा तो ये शॉर्टिंग वगैरह समस्या बन जाती है। और यहाँ पास अगर किसी भी डायोड कोई भी शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसी समस्या बन जाती है, जो हमारा वोल्टेज लो बनना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपका IC ब्लास्ट कर जाता तो अगर आपके पास पुराना सर्किट पड़ा हुआ कोई भी तो आप IC लगा सकते हैं, अन्यथा आप इस सर्किट को ही पूरा बदल दें, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, तो आपको जो सेटअप बॉक्स वो भी अच्छा चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं बन आएगा, उसमें गारंटी वारंटी भी मिल जाएगी। इसीलिए इसको ज़्यादातर रिपेयर नहीं किया जाता, जिससे कि नया लगाने के बाद हमको गारंटी वारंटी भी मिल जाती है, इसीलिए इसको हम रिपेयर नहीं करते ज़्यादा। फिर भी लेकिन मैंने आपको इतना स्टेप बताया जिससे कि आप किसी भी DTH की डेड प्रॉब्लम को रिपेयर कर पाएंगे, और लो वोल्टेज बन रहा वो भी प्रॉब्लम रिपेयर कर पाएंगे। और एक चाइना वाला और सर्किट होता है जिसमें कभी ना कभी उसमें लो वोल्टेज बनना शुरू हो जाता, जो हमारा 3.3 वोल्टेज है वो हमारा लो बनता है, बाकी जो हमारा ये सप्लाई है इसमें हमारा कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं बनेगा अगर 3.3 लो बने। और जो हमारा चाइना वाला एक सर्किट आता है उसमें हमारा 3.3 कम बनता है, उसका कम बनने का कारण ये होता है कि जहाँ पास हमारी 3.3 वोल्ट की जो लाइन होती है उसमें हमारे एक डायोड लगाना चाहिए जिससे कि हमारा वोल्टेज आउट करे प्लस बनाकर, लेकिन वहाँ पर हमारे 2 डायोड लगाए जाते हैं। 2 डायोड लगाने की वजह से क्या होता है, हमारा एक डायोड जब ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा सप्लाई कम बनता है, या फिर उसमें तार भी थोड़ा सा हल्के क्वालिटी के रहते हैं जो कि हमारे वाइट कलर के रहते हैं। तार खराब हो जाने की वजह से भी हमारा वोल्टेज प्रॉपर नहीं
प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनती है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अगर आपका कोई कमेंट सुझाव है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।